गाइस आज का अपना टॉपिक है किडनी। और ये जो किडनी जो है एक्चुअली में उसको अच्छे समझाने के लिए मैंने आपको उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करा है। ये है अपनी पार्ट वन वीडियो जिसके अंदर अपन इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं ना वो एक्सटर्नल फीचर देखेंगे। देन अपन इसकी पार्ट टू वीडियो में देखेंगे किस तरीके से किडनी की जो है एक्चुअली में कवरिंग रहती है। और ये जो कवरिंग ऑफ किडनी जो है ना यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूनिवर्सिटी में इसमें अलग से एक शॉर्ट नोट वो पूछ लेते हैं। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा किडनी की ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। और फिर एंड में इसके पार्ट टू वीडियो में मैंने जितने भी नोट्स आपके लिए बनाए वो सारे नोट्स मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले आज अपन देखते हैं इसकी पार्ट वन वीडियो में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अपन सबको पता है जो किडनी जो है वो मेनली अपनी पेयर एस्केटरी ऑर्गन होती है। वो अपने ब्लड को फिल्टर करके मेनली जो है अपने यूरिन बनाने का काम करती है। उसके अलावा अपन सिचुएशन देखें कहाँ पे सिचुएटेड होती है। तो यार अच्छे से पॉइंट याद कर लेना कि जो किडनी जो है वो एक्चुअली में अपनी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में सिचुएटेड होती है। अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था पैनक्रियास, पैनक्रियास में कहाँ सिचुएटेड था, पैनक्रियास भी अपना पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में सिचुएटेड होता है। फिर अपन देखें ईस्ट साइड ऑफ वर्टेबर कॉलम बिहाइंड पेरिटोनियम। अब एक्चुअली में क्या होता है जो पूरा अपना एब्डोमेन है ना तो पूरे एब्डोमेन को एक सीरियस मेम्ब्रेन कवर करती है उसको अपन बोलते हैं पेरिटोनियम। लेकिन जो किडनी जो है ना वो एक्चुअली में क्या होती है आपकी पेरिटोनियम के बिहाइंड होती है, पेरिटोनियम के पीछे होती है और वर्टिब्रेट कॉलम के साइड मतलब कि वर्टिब्रेट कॉलम है इसके दोनों साइड आपकी प्रेजेंट होगी किडनी बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के बिहाइंड। फिर अपन इसका देखें लोकेशन। तो आप उसका लोकेशन अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसको दिखाने के लिए मैं आपको जो है ये रीजंस ऑफ दिखाता हूँ एब्डोमिन के। तो एक्चुअली में किडनी जो है मैं आपको अगर स्पैन से बताऊँ कि ये मान लो किडनी है तो वो कुछ इस तरीके से जो है वो सिचुएटेड होती है किडनी अपनी, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट जो है किडनी का वो आपका रहता है लंबर रीजन में। ये वाले साइड को अपन बोलते हैं लंबर रीजन, बीच वाले को बोलते हैं अम्लिकस, उसके ऊपर बीच वाले को बोलेंगे एपिगैस्ट्रिक और दोनों साइड अपन बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो किडनी जो है वो कुछ इस तरीके से सिचुएटेड होती है कि वो जो है उसका मोस्ट ऑफ पार्ट वो रहता है लंबर रीजन में, लेकिन इसका स्मॉल पार्ट जो है अपनी अम्लिकस में भी आ जाता है, एपिगैस्ट्रिक में भी आता है और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी आता है। तो आप इस तरीके से याद कर लेना आप कि कहाँ पर सिचुएटेड है। देन यहाँ पे इसकी लोकेशन में यही लिखा है कि किडनी ऑक्यूपाई एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लंबर रीजन एंड अम्लिकस रीजन। फिर अपन देखें इसका एक्सटेंड। तो याद रखना कि जो अपर बॉर्डर लॉब जो अपने थोरसिक 12 वर्टिब्रा होती है ना उसकी अपर बॉर्डर से लेकर सेंट्रल बॉडी ऑफ L3 वर्टिब्रा लंबर की थर्ड वर्टिब्रा तक किडनी जो है वो अपना एक्सटेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है कि जो राइट किडनी जो होती है ना वो अपने स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी होती है। मतलब राइट किडनी जो है ना वो थोड़ी सी आपकी नीचे होती है एज कंपेयर अपन देखें लेफ्ट किडनी से। उसके रीज़न भी आपको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में अपना जो लिवर है, लिवर का अपन जानते हैं कि लिवर का जो राइट लोब होता है ना वो अपना बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लोब से। तो उसके राइट लोब के कारण क्या होता है किडनी थोड़ी सी नीचे हो जाती है अपनी, क्योंकि राइट लोब बड़ा है तो उसके कारण क्या होगा किडनी राइट किडनी आपकी थोड़ी सी लेवल में नीचे होती है, वहीं लेफ्ट किडनी जो है थोड़ी सी उसके लेवल में ऊपर हो जाती है। वहीं फिर अपन देखें इसका शेप। तो यार किडनी जो है अगर आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो ये होती है अपनी बीन शेप की। नॉर्मली अपन को ये पॉइंट पता होता है। देन किडनी अगर अपन देखें पूरा अगर अपन देखें तो क्या है अपनी 11 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, कुल मिला के 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड है और 3 सेंटीमीटर जो है किडनी की थिकनेस अपनी होती है। तो नॉर्मली आराम से याद हो जाता है अगर तुम बिल्कुल उसको सिक्वेंस में पढ़ते हो ना चीज़ों को तो आपको क्या सारी चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। अगर तुम उसको पैराग्राफ में पढ़ने की कोशिश करोगे तो उतना आसानी से याद हो नहीं पाएंगी। फिर अपन देखें किडनी का वेट। तो मेल में ये होगी 150 ग्राम की और फीमेल में यह होगा 135 ग्राम का। तो पूरा का पूरा मैंने जो है आपका बेसिक नॉलेज जो होता है किडनी का वो मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से आपको किडनी का इंट्रोडक्शन होता है। देन अब अपन इसका मेन पार्ट एनाटॉमी वाला पार्ट देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स। तो किडनी जो है सबसे पहले अपनी बीन शेप की है तो उसके कारण अगर मैं आपको ये इसमें दिखाऊं 2D डायग्राम में तो आपको क्लियरली अच्छे से देख पाएगा कि किडनी की सबसे पहले होती हैं दो पोल्स। अगर आप देखो मतलब किडनी के एक्सटर्नल फीचर में सबसे पहले इसके आते हैं दो पोल्स। अगर आप यहाँ पर देखो किडनी में
तो एक इसका होगा अपर पोल, सबसे ऊपर जो है उसको बोलेंगे अपर पोल, देन एक इसका होगा लोअर पोल। तो इसके अंदर होते हैं सबसे पहले दो पोल, देन दो पोल्स के बाद इसकी होती हैं दो सरफेसेस। अब एक होगी इसकी इंटीरियर सरफेस, ये वाली जाहिर सी बात, अब इंटीरियर की होगी तो एक पोस्टेरियर भी होगी पीछे, तो एक इसकी होगी फिर पोस्टेरियर सरफेस। देन फिर इसकी होती हैं दो बॉर्डर्स। तो अगर आप यहाँ देखो ये कहाँ है मीडियल में, तो इसको अपन बोलेंगे मीडियल बॉर्डर। देन ये लेटरल में प्रेजेंट है पूरी, तो इसको अपन बोलेंगे लेटरल बॉर्डर। तो ये पूरा का पूरा जो है इसका आपका है एक्सटर्नल फीचर। तो इसको डिटेल में अगर अपन देखें तो आपको बस ये याद करना है कि इसके स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं। जैसे कि जो अपर पोल है वो याद करो, वो अपना होता है ब्रॉड, मतलब अपर पोल जो है वो अपना होगा ब्रॉड होगा, वहीं लोअर पोल जो होगा वो पॉइंटेड होगा। अगर अपन को सारी चीज़ें पता है ना, तो जब आप डाइसेक्शन में जब आपको ऑर्गन वगैरह वो देते हैं आपको उठाने के लिए, तो आप क्लियर लेके उसको उठा के बता पाओगे कि नहीं सर ये इसका अपर पोल है। सर बोलेंगे अपर पोल क्यों है, तो आप बोलोगे सर ये ब्रॉड है इसलिए ये अपर पोल है, और लोअर पोल क्यों है ये, क्योंकि पॉइंटेड है। इसलिए आपको सारे जो पॉइंट होते हैं ना इसके स्पेसिफिक फीचर्स वो अच्छे से याद होने चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा काम में भी आते हैं अपने, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है तो भी मैं आपको बताऊंगा इसे लिखना किस तरीके से है। तो उसमें भी अपन को सारे एक्सटर्नल फीचर लिखने पड़ते हैं, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। तो अपर पोल में अपन देखें तो ये आपका ब्रॉड है, वहीं लोअर पोल अपना पॉइंटेड है। उसके अलावा अपर पोल में एक और चीज़ होती है, अपन जानते हैं किडनी के ऊपर अपना प्रेजेंट रहता है सुप्रा रीनल ग्लैंड। और सुप्रा रीनल ग्लैंड जो है ना, मान लो कैप सब में सुप्रा रीनल ग्लैंड बताऊँ तो कुछ इस तरीके से होता है वो, मतलब थोड़ा ऐसा प्रेजेंट होता है वो, समझे आप, मतलब कि वो अपर पोल में भी है, और ये मीडियल बॉर्डर है ना, ये वाली इस साइड है अपनी मीडियल बॉर्डर, तो ये थोड़ा सा मीडियल बॉर्डर में भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तो अपर पोल में रहता है अपना सुप्रा रीनल ग्लैंड। उसके बाद अब अपन जाते हैं इसके सरफेसेस पे, तो सरफेसेस पे भी आपको बस क्या करना है, इसके सारे फीचर फीचर से याद करना है। तो इंटीरियर सरफेस जो है ना वो अपनी होती है इरेगुलर, बिल्कुल इरेगुलर होगी। वहीं अगर अपन इसके पोस्टीरियर सरफेस देखें पीछे वाली, तो बिल्कुल आपकी फ्लैट होती है। ये दोनों आप याद कर लेना की पॉइंट्स। देन अब बारी है इसकी बॉर्डर की, तो यार बॉर्डर तो क्लियर दिख रहा है, ये है लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर अपनी कैसी है, लेटरल बॉर्डर अपनी है कॉनवैक्स। तो आप अच्छे से याद कर लेना कि किडनी की लेटरल बॉर्डर होती है अपनी कॉनवैक्स। वहीं मीडियल बॉर्डर पर अपन देखें तो ये देखो हल्का सा एक कॉनकेव टाइप की हो रही है, तो मीडियल बॉर्डर होती है अपनी कॉनकेव। तो इसको तो यार याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट डायग्राम बनाओ, डायग्राम तो अपन को याद भी रहता है किडनी का, क्लियरली आप उसे बोल दोगे कि कॉनवैक्स है कौन सी कॉनकेव है, और वहीं तुम रटे नहीं बैठोगे तो रटे नहीं पाओगे यार, इसको समझ लो। इसको दिख भी रहा है लेटरल साइड क्या है ये कॉनवैक्स, मीडियल साइड क्या है ये कॉनकेव। वहीं इसके अब मीडियल साइड में अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसके मीडियल में जो कॉनकेव वाला पार्ट है उसमें आपको एक मिडल में एक डिप्रेशन दिख रहा होगा। अगर मैं इसी डायग्राम को सुपरफिशियल में आप काटें तो आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा। तो ये है इसकी मिडल बॉर्डर, यहाँ पे आपको मिडल बॉर्डर में इसका जो डिप्रेशन दिख रहा है ना, ये इस पार्ट को अपन बोलते हैं हाइलम। और हाइलम जो है वो रूट ऑफ लंग्स अपन ने पढ़ा था लंग्स में, उसी की तरह ये हाइलम भी होता है। मतलब हाइलम वो वाला पार्ट है जहाँ से रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंटर होती हैं, और रीनल पेल्विस जो है एग्जिट होता है अपने किडनी से। तो आप अच्छे से याद कर लेना कि जो हाइलम है वो अपने मीडियल बॉर्डर में भी मिड पॉइंट में दिखाई देता है। वहीं अब आपके इसका जो स्ट्रक्चर जो जो है ना हाइलम में, उसका जो सीक्वेंस है यार वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको डाइसेक्शन में जब मैम वगैरह ऑर्गन उठाने को देती है ना, तब आप इन्हीं स्ट्रक्चर्स के कारण बताते हो कि राइट की है कि लेफ्ट की किडनी है। क्योंकि मान लो इस साइड जो है अभी जब मैं देख रहा हूँ तो ये वाली मेरी किडनी है लेफ्ट की किडनी, ठीक है। ये है इसका इंटीरियर और ये है इसका पोस्टीरियर। तो अगर आप देखो लेफ्ट साइड में क्या होगा, सबसे आगे मतलब सबसे इंटीरियर में आपकी प्रेजेंट होती है रीनल वेन, देन रीनल वेन के बाद प्रेजेंट होता है अपना रीनल आर्टरी, देन फिर आपकी प्रेजेंट होगी रीनल पेल्विस। बिल्कुल क्या सीक्वेंस में रहती हैं चीज़ें, तो आप क्या इसको देख के आप बता सकते हो कि राइट की है कि लेफ्ट में। आप क्या करना, सबसे पहले अपर पोल जो है उसको ऊपर साइड कर देना ब्रॉड वाले एंड को, उसके बाद रीनल वेन को इंटीरियर में कर देना, तो आप पूरी किडनी बता दोगे कि ये किस साइड की है, मीडियल की है कि लेटरल की है।
तो सारे सीक्वेंस ना तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए, पहले है रीनल वेन, देन आर्टरी, देन रीनल पेल्विस। तो अपन ने सारे के सारे इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखिए, और कुल मिला के देखा जाए तो यार ये बहुत ही ज़्यादा इजी वाला पार्ट था, बहुत ही आसानी से अपन उसको देख लेते हैं। कुछ खास टेक्निकल चीज़ें थी नहीं, बस अगर तुम्हें सही तरीके से पढ़ने का टर्म पता हो ना तो पूरी अच्छे से समझ में आ जाती है। देन अब अपन देखते हैं किडनी के सारे रिलेशन। तो सबसे पहले किडनी का अगर मैं आपको रिलेशन बताऊं तो अपन को पता है कि जो किडनी जो है वो सबसे पहले अपना कहाँ प्रेजेंट है, वो अपना प्रेजेंट है पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल में। तो उसको दिखाने के लिए मैं आपको 3D मॉडल दिखाता हूँ। तो आपको क्या इस साइड पे ये क्या है, ये है अपनी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इसको मुझे हाइट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आता था इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, अपना आता था एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, देन इसको मैंने हाइट करी, फिर इंटरनल ओब्लिक मसल, देन रेक्टस एब्डोमिनिस, फिर लास्ट में था ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। तो ये पूरा हटाने के बाद आपको जो है अब इसके पोस्टीरियर वाला पार्ट दिख रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पीछे जो है ना जितनी भी मसल प्रेजेंट है उसी को अपन बोलते हैं पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल। तो और उसी मसल पे के जस्ट फ्रंट में अपनी प्रेजेंट है दोनों किडनियाँ। तो किडनी आपकी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो आपको 3D मॉडल में भी दिख रहा होगा, किडनी आपकी प्रेजेंट है पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल में। अब पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होने के कारण होता क्या है, इसके जो पोस्टेरियर रिलेशन होते हैं ना पीछे वाले, वो दोनों किडनी के वो होते हैं सेम, क्योंकि जो मसल राइट में है वही मसल अपने लेफ्ट साइड में भी होगी, इसलिए पोस्टेरियर रिलेशन जो है किडनी के अपने हो गए सेम। लेकिन जो इसके इंटीरियर रिलेशन जो होते हैं इंटीरियर वाले, वो दोनों किडनी के राइट के और लेफ्ट के दोनों किडनी के होते हैं अलग अलग। क्योंकि क्या होता है इसके इंटीरियर में आप क्या जाएंगे ऑर्गन, तो राइट साइड में क्या होगा ऑर्गन का राइट वाला पार्ट होगा, वहीं लेफ्ट साइड में ऑर्गन का लेफ्ट वाला पार्ट होगा। इसके कारण इसके इंटीरियर रिलेशन जो है वो होते हैं डिफरेंट राइट एंड लेफ्ट किडनी के दोनों के, उसको अपन अच्छे से डिटेल में देखेंगे। लेकिन इसके जो पोस्टीरियर रिलेशन जो है वो होते हैं आपके सेम। तो अपन को रिलेशन में भी किडनी में दो तरीके के रिलेशन देखने पड़ेंगे, सबसे पहले कॉमन रिलेशन, देन अपन देखेंगे डिफरेंट रिलेशन दोनों किडनी के। अब सबसे पहले मैं आपको कॉमन रिलेशन में बताऊं, तो अगर आप देखो अपर पोल में अगर आप देखो तो दोनों किडनी के अपर पोल में आप देख पा रहे हो क्या प्रेजेंट है, अपर पोल में अपना प्रेजेंट है सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो आप अच्छे से याद कर लेना कि दोनों किडनी में जो अपर पोल के रिलेशन होते हैं कॉमन वो है सुप्रा रीनल ग्लैंड। वहीं अपन देखें मिडिल बॉर्डर में, मतलब ये वाला पार्ट, ये है अपनी मिडिल बॉर्डर। देन किडनी के मिडिल बॉर्डर में क्या है अपना, सबसे पहले जो सुप्रा रीनल ग्लैंड है वो हल्का सा टेढ़ा टाइप होता है, तो इसका जो स्मॉल पार्ट है वो अपना मिडिल बॉर्डर में भी आ जाएगा। तो मिडिल बॉर्डर में सबसे पहले अपना होता है सुप्रा रीनल ग्लैंड दोनों किडनी में, और ये क्या निकल रहा है, ये अपना निकल रहा है यूरेटर्स। तो अपने यूरेटर्स होते हैं दोनों किडनी में, सिमिलरली साइड में भी हैं। तो ये अपने हो गए कॉमन रिलेशन। देन फिर अपन आते हैं पोस्टीरियर रिलेशन पे, इसके पीछे वाले रिलेशन पे। तो उसका जो पोस्टीरियर रिलेशन है ना यार, वो भी दोनों किडनी का जो है वो होता है कॉमन। अब इसको समझाने के लिए मुझे तुम्हें क्या डायग्राम दिखाना पड़ेगा पूरा। तो अगर आप ये वाला डायग्राम देखो, और ये जो तो डायग्राम है ना यार, ये एक्चुअली में अपना है विश्राम सिंह का ही डायग्राम है, या आप बुक भी खोल सकते हो उसको पढ़ते हुए। देन अब मैं आपको समझाऊं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा ये क्या है। इसको अगर मैं सेपरेट करूं आपके लिए पूरी मसल को, ये है अपनी डोम शेप की डायफ्राम मसल, देखिए आपको। तो एक्चुअली में जो किडनी होता है ना, इसका अपन दिखा रहे हैं पोस्टीरियर सरफेस, ये है लेफ्ट का और ये है राइट का, दोनों साइड सेम ही होता है। तो जो किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन को पढ़ने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना, किडनी लेना, देन किडनी को अपन दो हाफ्स में डिवाइड कर देंगे, एक अपर और एक लोअर। तो अगर आप देखो ये अपर वाले में आपका आ रहा है पूरे में डायफ्राम, ठीक है ना, मतलब अपन सबसे पहले देख रहे हैं मसल, क्या क्या मसल आ रही हैं, रिलेशन बना रही हैं। तो इसको अपन ने किडनी ली और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसके अपर पार्ट में आपके आ रही हैं ओनली डायफ्राम मसल, देन लोअर पार्ट में आपके आ रही हैं तीन मसल्स, ठीक है, मीडियल में श्वास मेजर, देन क्वाड्रेटस लंबर मसल, देन ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। तो मैं आपको वापस किडनी लाऊं तो आपको क्लियरली दिख पाएगा ये किडनी है, ठीक है। तो अगर आप क्लियरली देखो
इस किडनी के पीछे आधे पार्ट में क्या आ रहा है? आधे पार्ट में आ रहा है डायफ्राम, दिख रहा है ना आपको भी? किडनी के आप देख पा रहे हो पीछे क्या है, आधे ऊपर में अपना है डायफ्राम, ये आपको क्लियरली दिख भी पा रहा होगा। तो अपन ने किडनी बना के ऊपर बना देंगे डायफ्राम। देन अगर मैं आपको ये मसल को हाइट करूं, ये अपन ने मसल हाइट करी, तो अब आपको दिख पा रहा होगा कि इसके पीछे, किडनी के पीछे ये कौन सी दो रिब आ रही है? लेफ्ट में अपनी आ रही है 11 और 12 रिब। वहीं राइट में क्या होता है, ये स्लाइटली लोअर होता है लेफ्ट किडनी से, थोड़ा नीचे होता है, तो सिर्फ एक ही रिब आ रही है, 12th रिब। तो आप ये अच्छे से याद कर लेना। तो फिर मैंने आपको बताया रिब्स। देन फिर अगर अपन देखें इसके नीचे वाले पार्ट में, ये जो मसल है ना, ये वाली जो मैंने हाईलाइट करी, मैं सेपरेट भी करता हूँ, इसी मसल को अपन बोलते हैं श्वास मेजर मसल। देन फिर से मैं लाऊं तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि किडनी में इसके जो लोअर हाफ जो बचा था अपना, उसमें सबसे पहले मीडियली में कौन सी मसल रिलेशन में आ रही है? आपकी आ रही है श्वास मेजर मसल। तो फिर अपन ने बना दी श्वास मेजर मसल। देन ये दूसरी मसल होती है, इसे अपन बोलते हैं क्वाड्रेटस लंबर मसल। देन आपकी आ रही है क्वाड्रेटस लंबर मसल। मतलब बिल्कुल अपन का याद नहीं कर रहा यार चीज़ों को, अपन के मतलब बिल्कुल चीज़ों को अपन के रट नहीं रहे यार, समझ रहे हैं? देखो बिल्कुल मैं आपको दिखा भी रहा हूँ मॉडल में। उसके बाद लास्ट में अपनी आती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। तो ये अपनी हो गए सारे रिलेशन। अब तुम्हें क्या है, सब कुछ अच्छे से याद हो गया होगा, मैंने तुम्हें 3D में बताया। तो अपन ने देखे पोस्टेरियर रिलेशन इसके, जो कि दोनों साइड में थे सेम। उसके अलावा क्या होता है, ये जो 12th रिब है ना, रिब के नीचे आपका प्रेजेंट रहता है सब कोस्टल नर्व और सब कोस्टल वेन। एक्चुअली में जो 12th रिब है ना, उसको अपन बोलते हैं सब कोस्टल। बाकी सारे रिब्स के नीचे जितनी भी अपनी नर्व्स रहती हैं, उन्हें अपन बोलते हैं इंटर कोस्टल नर्व। तो 12th रिब के नीचे आपकी रहती हैं सब कोस्टल वेसल और नर्व। तो आप बना देना इसकी सब कोस्टल वेसल एंड नर्व। उसके अलावा यहाँ पे दो और नर्व्स बना देना, जो कि अपनी पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल के ही रिलेशन में आती हैं। एक आपकी होगी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, दूसरी नर्व का नाम है इलियो इंग्वाइनल नर्व। तो फिर आपको सारे के सारे रिलेशन जो है ये अच्छे से याद हो गए होंगे। और जैसा राइट में होता है ना यार, वैसा ही आपका कुल मिला के लेफ्ट में भी होता है। अब मुझे सिर्फ तुम्हें एक और चीज़ बताना बचा है, डायफ्राम को अगर मैं अच्छे से करूँ आपको सेपरेट, तो आपको दिखेगा कि जो डायफ्राम है ना यार, उसमें एक्चुअली में दो लिगामेंट होते हैं। अपन ने डायफ्राम पढ़ के रखा है, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर आपने मेरी डायफ्राम की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, आप देख लो। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, एक्चुअली में डायफ्राम जो है उसके ओरिजिन के लिए उसमें होते हैं दो लिगामेंट। एक मीडियल में जो दिख रहा है ना आपको, मतलब ये जो एक हल्का सा आर्च दिख रहा है ना, उसी को उसने लिगामेंट बोल दिया। ये मीडियल में दिख रहा है, तो ये आपको किडनी के रिलेशन में भी आ जाएगा। ये यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है आपको आर्च जैसा, इसे अपन बोलते हैं मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। वहीं फिर एक लेटरल में है, तो उसको बोलते हैं लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। अब जाहिर सी बात है, जब किडनी ऐसे प्रेजेंट होगी इसमें, तो लिगामेंट भी इसके रिलेशन में आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको सारे इसके पोस्टीरियर रिलेशन बना दिए। और यार रिलेशन को याद करने का तरीका यही है, यूनिवर्सिटी में तुम कैसे लिखोगे, तो बस तुम्हें क्या डायग्राम याद कर लो, तुम रिलेशन रटो मत, ये डायग्राम याद कर लो, तुम्हें अपने आप सारे रिलेशन तुम फिर यूनिवर्सिटी में लिख के आ जाओगे, बहुत ईजी तरीका है ये। देन यहाँ पे भी यही लिखा है पोस्टर रिलेशन में, सबसे पहले आपका आया डायफ्राम, देन इसके मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, देन ये क्या है, ये है अपना श्वास मेजर मसल, देन क्वाड्रेटस लंबर मसल, देन ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। मतलब पहले आप लिख दो सारी मसल डायग्राम को देख के, पहले सारी मसल लिख दो, फिर लिख देना सब कोस्टल वेसल्स, देन सब कोस्टल वेसल, फिर लिख देना सब कोस्टल नर्व, और फिर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व। तो पूरा अपन डायग्राम को देख के लिख लेते हैं, ठीक है। अब अपन इसका देखते हैं इंटीरियर रिलेशन, और जो इंटीरियर रिलेशन है वो राइट के अलग थे और लेफ्ट के अलग थे। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं, तो आपको क्लियरली इस डायग्राम में दिख पा रहा होगा। तो इस साइड ये अपनी प्रेजेंट है राइट किडनी, इस साइड है लेफ्ट किडनी। तो राइट किडनी पे आपको थोड़े अलग रिलेशन दिख रहे होंगे, लेफ्ट में थोड़े अलग होते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या आपका वापस लाता हूँ सारे ऑर्गन्स। देन अब अगर आप यहाँ पे देखें, तो अपन देख रहे हैं इंटीरियर साइड से पूरा एब्डोमेन, देन इसको अपन देखते हैं पोस्टीरियर साइड से। तो अपन क्या करते हैं, राइट किडनी को ही और डिटेल में देखते हैं।
तो अगर आप देखो ये राइट किडनी में, तो राइट किडनी के सबसे पहले अपन का आप राइट किडनी बना लो, उसको बनाने का तरीका बताता हूँ आपको, है ना। पहले अपन ने पूरी किडनी बनाई, देन आपको करना है इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में आप बना देना सुप्रा रिनल ग्लैंड का इम्प्रेशन। अगर आप देख भी पा रहे हो तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है सुप्रा रिनल ग्लैंड, तो आप बना देना सुप्रा रिनल ग्लैंड का इम्प्रेशन। देन उसके बाद अगर आप देखो इसके अपर एक हाफ में अपना प्रेजेंट होता है हेपेटिक इम्प्रेशन, लीवर का इम्प्रेशन। अगर आप 3D मॉडल में भी देखो तो क्लियरली दिखेगा, ये जो किडनी है इसके एक हाफ में, साइड्स देख रहे हो ना आप, मतलब इसके एक अपर हाफ में आपका पूरे में प्रेजेंट होगा लिवर, तो इसके एक हाफ में आप बना देना इसका हेपेटिक इम्प्रेशन। देन उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है आपका, प्रेजेंट है ये क्या, ये है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन की कोलिक एरिया, देन आप दिखा देना लार्ज इंटेस्टाइन का कोलिक एरिया। ये क्या, मैं आपको बिल्कुल अब बता रहा हूँ, इमेजिन करवा रहा हूँ ना, तो अब अच्छे से आपको इमेजिन हो रहा होगा। और देन ये इसका लास्ट वाला पार्ट, ये मीडियल में, इसके मीडियल में क्या है, इसके मीडियल में क्या क्या रिलेशन आ रहा है, ये अपना आ रहा है ड्यूडेना में, ये वाला पूरा। अगर मैं आपको मेजेंट्री हाइट करूँ ना तो और अच्छे से दिखेगा, देन ये पूरा है आपका ड्यूडेना एरिया, तो आप किसके मीडियल में आ रहा होगा इसका ड्यूडेनम, तो आपका पूरे के पूरे राइट किडनी के सारे इंप्रेशन याद हो गए होंगे। सबसे पहले बना दिया सुप्रा रिनल, देन अपर हाफ में हेपेटिक, लोअर में कोलिक, और मीडियल में आ रहा है ड्यूडेनम, और 3D में भी अपन ने देखा। तो इस तरीके से तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें सारे के सारे इसके इंप्रेशन अच्छे से याद हो जाएंगे। देन फिर अपन सिमिलरली आ जाते हैं लेफ्ट में, तो लेफ्ट में तुम क्या करना है यार, लेफ्ट में भी तुम्हें यही करना है। सबसे पहले आप बना देना स्प्लीनिक एरिया, आप बना देना सुप्रा रीनल एरिया। देन अगर मैं यहाँ पे आपके लिए फिल्टर करके ले आऊँ लिम्फेटिक्स, तब आपको और अच्छे से रिलेशन दिखेंगे। तो एक्चुअली में क्या होता है इसमें, आपके ये वाली साइड अगर देखो, ये क्या प्रेजेंट है, इस ऑर्गन को अपन बोलते हैं स्प्लीन, ठीक है। तो आप अच्छे से याद करना कि किडनी में आप सबसे पहले बनाओगे, सबसे ऊपर रहता है सुप्रा रीनल ग्लैंड, देन इसके लेफ्ट साइड में आप इतना सा ये वाला एरिया बना देना स्प्लीनिक एरिया, देन होता है यहाँ पे स्प्लीनिक एरिया। मैं फिर से हटा दूँ स्प्लीन को। उसके अलावा अगर आप देखो ये किडनी में, ये इस तरीके से आपका आ रहा है पैनक्रियास, दिख रहा है आपको पूरा। देन आप यही करना, इसके बीच में आप एक बना देना पैनक्रियास वाला एरिया, देन इस पैनक्रियास के ऊपर जस्ट क्या प्रेजेंट है अपना स्टोमक, गैस्ट्रिक एरिया, तो फिर आप इसके ऊपर बना देना गैस्ट्रिक एरिया। देन फिर अगर अपन इसके देखें नीचे वाले साइड, तो क्या होता है राइट और लेफ्ट साइड में डिफरेंस देखो, राइट में था यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की कोलिक एरिया, लेकिन वहीं लेफ्ट में क्या होता है, इसमें आपका प्रेजेंट होगा जुजेनल एरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया, देन आप यहाँ पे एक जुजेनल एरिया बना देना। तो इस तरीके से यार आपको सारे इसके इंटीरियर बॉर्डर के सरफेस अच्छे से याद हो गए होंगे। देन अगर अपन मेरे नोट्स में भी देखें, तो जो अपन ने डायग्राम में देखना वही एज इट इज लिखा है यहाँ पे, कि राइट में क्या था सुप्रा रिनल ग्लैंड का एरिया, फिर लिवर का एरिया, देन सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फिर हेपेटिक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया। वहीं लेफ्ट में अपन ने देखा था सुप्रा रिनल, देन स्प्लीन, फिर अपन ने एक पेनक्रियास बना के देखा था, पेनक्रियास के ऊपर स्टोमक, और उसके नीचे आपका आ रहा था जुजेनम एरिया। देन यार पूरे के पूरे मैंने आपको किडनी, तो यार पूरे के पूरे मैंने आपको किडनी के सारे रिलेशन और सारे एक्सटर्नल फीचर बात बता दिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को करो लाइक, और मेरे चैनल को तुम कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सारे के सारे मैं जो है इसके अंदर लाता हूँ सारी एनाटॉमी की वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाओ और मेरी सारी प्लेलिस्ट देखो यार, मैं अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, पेल्विस पूरा अपलोड कर चुका हूँ, और अपना एब्डोमिन भी हाफ अपलोड मैं कर ही चुका हूँ। और आप इसके पार्ट टू वीडियो बिल्कुल देखना, इसको मिस मत करना, क्योंकि पार्ट टू वीडियो में होने वाली है कवरिंग ऑफ किडनी, और इस पार्ट टू वीडियो की लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, तो आप इस आई बटन पर जाके इसकी पार्ट टू वीडियो भी देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।